हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आईएएस एंड पीसीएस। चलिए करते हैं अनदर 100 क्वेश्चंस। इसका पार्ट वन आ चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने बनाया है। और इसके आगे हम लोग सॉल्व करने से पहले एक खास बात, सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज बहुत सारे समराइजेशन आने वाले हैं। और 6 मंथ्स की मैं करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दूंगी बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में, सबका एक्सट्रैक्शन मिलेगा आपको। ये वाली जो वीडियो मैं बना रही हूँ इस जैसा आपको कंपिलेशन कहीं भी नहीं मिलने वाला है, तो आप लोग बहुत अच्छी जगह पे हैं, बस इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ में चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ओके, 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो इसके अंदर देख लेते हैं प्रमुख कारक कौन से हैं। देखिए इसमें जो आपको एक ट्रिक ये मैंने बताई थी कि जो भी एक डिफरेंट सा देखिए ना उसको समझ आना कि वो उसमें ही कुछ मतलब हम लोगों को आंसर जो है उसके मतलब जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, जो सेकंड में है तेल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। ठीक है, इससे तो हमें पता ही है कि जलवायु में परिवर्तन ऑब्वियसली एनवायरनमेंट जो है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। सौर धतक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन। ओके, तो जो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो है ये एक डिफरेंट है, इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, सौर धतक में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारकों में इसे हम नहीं काउंट कर सकते। तो ये वाला जो हो जाएगा इसका 51 का आंसर हो जाएगा 3। इसी के साथ में अब नीचे ऑप्शन देख लीजिए, आपको मैं बता देती हूँ ऑप्शन 3 वाला जो इससे अलग हो जाएगा। तो हम जो सही है वो बता रहे हैं, मैंने बताया आपको अलग करने का तरीका। तो थर्ड वाला जो है वो प्रमुख कारकों में इसके नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रमुख कारक में जैसे सौर धतक में वृद्धि वो डिफरेंट है, तो इसको अलग करते हुए आप देख लो 3 जिस इसमें है उसे कट एंड क्रॉस कर दो, तो इसमें आपको मिल रहा है बी और डी। अब इसके अंदर जो जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रज्वलन है और उसके बाद तेल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन है और अत्यधिक वनोन्मूलन, ये तीनों जो है ये वो इसके कारक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 4। ठीक है ना, उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन 52, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें है आपका नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम मटर और एजोटोबैक्टर गेहूं और अजोला मक्का। ठीक है, अब ये नील हरित शैवाल तो धान है, ठीक है, राइजोबियम जो है वो मटर है, एजोटोबैक्टर गेहूं है, अजोला मक्का नहीं है। ओके, तो इसमें ये डिफरेंट है। अब जो डिफरेंट है वो क्या हो जाएगा अलग, तो उसको हम क्या करेंगे सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखना, तो इसलिए इस पर टिक हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। बात करें तो निम्नलिखित में से किस परिस्थितीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? ठीक है, तो इसके अंदर देखना है पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है 53 के अंदर। तो 53 का हम देख लेते हैं, इसका हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो, या ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ी होगी एनसीईआरटी से तो उसी से क्लियर हो जाएगा, वैसे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही जैविक पदार्थ अधिकतम का क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अधिकतम क्षेत्र में आएगा। इसके बाद 54 की बात करें तो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? ओके, भारत सरकार ने जो वन संरक्षण जो इसके अंदर अधिनियमित किया है उस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका होगा आपका 1980। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट जो है आपका ये मैचिंग वाला है। देखिए ये मैचिंग वाले भी प्रैक्टिस में रहने चाहिए, मैचिंग के क्वेश्चन तो बनते ही रहते हैं। अब अगर हम देखें इसके अंदर तो उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, अब इसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैंने हमेशा कहा आप इधर ऑप्शंस को देख लिया करो। ठीक है, ऑप्शंस किस तरह के दे रहा है, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि किस चीज़ को एलिमिनेट करना है किसने। 1, 2, 1, 4, तो 1, 1, 2 टाइम है। और अगर हम इसे एलिमिनेट मेथड से करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, तो हमें थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम ए का पहले सर्च कर लेते हैं कि ए का किससे मैच होता है, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय वन का इन्होंने जो एरिया इधर दिया हुआ है तो उसमें हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मैच इससे साइलेंट वैली से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4। तो ऑब्वियसली अगर एलिमिनेशन मेथड में लगा रही हूँ तो यहाँ मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि 4 केवल ए का 4 डी में दिया गया है, मीन्स इज दैट कि ये राइट है। सपोज दैट कि मुझे नहीं पता शंकु वृक्ष वन कहाँ है, कच्छ वनस्पति कहाँ है, पतझड़ वन कहाँ है, तो उसके लिए मुझे देखना नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको सब एक बार बोल देती हूँ, जैसे कि आपको अगर दो बार ये सीरीज देख लेते हो आपको तो लर्न हो जाएगी। तो उष्णकटिबंधीय वन जो है वो हो जाएगा साइलेंट वैली। ठीक है, और आपका जो शंकु वन वृक्ष है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, और हो जाएगा कच्छ वनस्पति, ये हो जाएगा आपका सुंदरवन, और पतझड़ वन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लर्न भी कर सकते हैं। 56 पे कर लेते हैं, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? ठीक है, अब ये कोरम से ही जाना जाता है, आप लोग हिंदी में पढ़े हैं, इंग्लिश में तो कोरम ही ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कोरम के लिए आप लोगों को पता ही होगा, तो इसके अंदर आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए पहले तो दिया हुआ है पहले वाले का सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठवां भाग, ये कभी भी किसी ने पढ़ा नहीं होगा, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर बी वाले में दिया सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ठीक है, नीचे दिया है चौथा भाग, फिर दिया तीसरा भाग, तो इसके अंदर बी वाला राइट होगा, क्योंकि ये जो होता है कोरम जो होता है वो क्या होता है, सदन की जो भी मतलब संख्या होती है उसका 10वां भाग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रिवाइज हो जाएगा। 57 में आ जाइए, इसमें भी मैचिंग है, मैचिंग करनी है, तो इसमें देख लेते हैं मैचिंग के अंदर। देखिए एक्चुअली इसके अंदर जो ये 1 एंड 2 ये जो दिखा रहा है, तो 1 वाली तो ये है और 2 वाली आपकी ये आ गई है नीचे। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर मैचिंग में भी बात करें तो हम फिर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी। 1, 2, 3, 4 देखिए कितना इसी तरीके से आता है, मैं आपको यही बता रही थी पहले कि ये सभी में 1, 2, 3, 4 जैसे दिया हुआ है। अगर हम ए का देख लेंगे कौन सा है, ठीक है, या बी का, सी का, डी का, किसी का भी आपको श्योर है या लगभग आपको अप्रॉक्सीमेट कोई आइडिया है, तो आप इसे कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखिए ए वाले का क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। ठीक है, ये 61वां संशोधन इसके अंदर दिया गया है ना,
तो हम इसके अंदर मैच करके देख लेंगे ए का जो है, अब ए का जो वन से तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या ये 42वां संशोधन था या फिर ये 38th संशोधन है ना। तो अब हम देख लेते हैं 38th न्याय पुनरीक्षण शक्ति का जो परिसीमन है वो 38वां संशोधन है। अब हम एलिमिनेशन मेथड से इसे कर पाएंगे क्योंकि जो ए का 3 आ रहा है, ए का 3 हम जानते हैं सही है, सपोज हम किसी को नहीं जानते, ए का 3 जानते हैं या फिर हम बी का आंसर जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको अगर पता था बी का कौन सा है, तो बी का देख लीजिए कि संपत्ति के अधिकारों का मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, ठीक है। तो ये जो था संपत्ति का अधिकार जिसे कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी वाला, तो वो क्या हुआ था 44 से हुआ था, ये बहुत लोग जानते होंगे इसे भी, ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा सबके सब जो मतलब रहते हैं हम लोग लर्न करते हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो लेकिन फिर भी उस समय जो आपको याद आ रहा है उसमें से एक या दो अगर कुछ भी याद है तो आप इसे कर पाएंगे। तो देखिए अब हमें पता है कि बी का 4 है और ए का सी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड बता रही हूँ, कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको केवल इसे सॉल्व करने में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट प्लीज़ फिर बता रही हूँ आप ये वाली चीज़ जो ऊपर की जो क्वेश्चन की हेडलाइंस होती है उसे पढ़ने के बाद में प्लीज़ यहाँ पढ़ा करो कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो उससे आपका जो टाइम है ना वो बच जाता है और आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसके अंदर देखिए भारत और अमेरिका राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है, ठीक है। तो ये पूछा भारत व अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो हैं वो समान है। तो इसके अंदर आपका जो हो जाएगा वो जगह पहला दिया अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है नहीं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है नहीं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, हाँ इसके अंदर ये थर्ड वाला सही है आपका। और फोर्थ देख लेते हैं, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक। तो इसमें जो विशेषताएं पूछी हैं भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में, तो वो जो इसके अंदर जो मिल रही है हमें वो है आपकी ये थर्ड वन, जबकि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं ये नहीं है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं ऐसा भी नहीं है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती है ये भी कॉमन नहीं है। तो जो अपना जो कॉमन हो रहा है इंडिया और अमेरिका का वो है आपका थर्ड वाला। तो इसमें ऑप्शन नीचे देख लीजिए ये थर्ड वाला, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड करें या जो भी करें इसमें थोड़ा सा आपका पड़ा हुआ होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है 59 भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, ठीक है। संकल्पना को प्राप्त किया गया, तो अब इसके लिए नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये जो करा गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से किया गया, तो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है 59th का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आप कर लीजिए 60 के अंदर है नीचे दिए गए कथन, यानी कि एजर्शन और आपके वो दिए गए हैं रीजंस में। तो ये दिया आपका भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, ठीक है। आर में दिया हुआ है उसका यानी कि जो कारण है वो दिया गया है। तो भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, अब देखिए कथन तो दोनों ठीक हैं बट जो इसका कारण दिया हुआ है, अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है इसीलिए उधार की वस्तुएं हैं, तो ये उसका सही कारण नहीं हुआ। तो इसमें हम इस तरह का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, दोनों सत्य हैं सही स्पष्टीकरण नहीं, ये तो सही नहीं है। कथन दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। ए सही है आर गलत है, ए गलत है नहीं। तो हमारा जो सही बिल्कुल रहेगा ऑप्शन वो रहेगा बी, क्योंकि ए और आर मैंने दोनों कहा दोनों सही बातें, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उधार में ली गई हैं, यानी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कंट्रीज़ के जो पॉलिसीज है उन्हें अप्लाई किया गया है तो वो ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं हो सकता है कि ये उसका कारण हो जाए, ठीक है। तो हम जो इसके अंदर लगाएंगे वो लगाएंगे बी वाला, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 61 पे, क्वेश्चन नंबर 61 में लिया निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था, ठीक है। तो कौन था सरकारी आयोग का मतलब सदस्य, और सरकारी आयोग के बारे में सरकारी कमीशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी तक पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एस आर सेन, ठीक है, ये उस आयोग के सदस्य थे। चलिए 61 के बाद में चलते हैं 62 पे, इसके अंदर मैचिंग है राज्य की संख्या और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब इतना भी तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को कर ही पाएंगे, जहां पे आपको डाउट्स लग रहे हो प्लीज उसे छोड़ देना वो बेटर है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम होने वाली है उसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो जब तक आपको कुछ आइडिया या फिर अप्रोक्स आइडिया या फिर बिल्कुल श्योर ना हो आप, तो डाउट वाले क्वेश्चन को तो छोड़ ही देना, वो मच बेटर है, टाइम वेस्टेज है और आपकी नेगेटिव मार्किंग में जो नंबर आने वाले वो भी कट एंड क्रॉस हो जाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है जिसमें डैम श्योर रहें या अप्रोक्स आइडिया हो किसी एक का भी तभी करना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका रहेगा, अगर आपको आइडिया तभी इसे करना वरना मत करना, मैं डायरेक्टली बता दी हूँ एलिमिनेशन मेथड इसमें लगेगा नहीं, इसका आपको पता हो सकता है तभी आप इसे कर पाएंगे। इसका सी है 2314, ठीक है। गुजरात का जो है वो 2.11 है, ठीक है। राज्य संख्या और जो इसके अंदर राज्यसभा के राज्य सदस्यों की संख्या है उसके ऊपर ही दिया गया, ये राज्य दिए हैं और ये इधर संख्या दी गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हमें देखना पड़ेगा। 63 में है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, आप देखिए फिर से अभी कथन और कारण है। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों का आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, कारण आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियम किया था, तो क्या ये जो होता है ये इसका कारण है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं इसके अंदर कि ऐसा देखिए आदर्श आचार संहिता, ठीक है, जो होती है उसका पालन तो करना होता है चुनाव की घोषणा होने के बाद में, लेकिन जो कारण के अंदर दिया है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियम किया था, तो ये गलत है, ऐसा नहीं किया गया था। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन अभी तक मतलब नहीं आया है कि इसे अधिनियम किया गया, तो इसलिए इसके अंदर जो होगा देखिए यहाँ पर तो ये सही का है और इधर ये सत्य है असत्य, तो ये ए सी वाला होगा क्योंकि ए सत्य है पर जो इसका कारण दिया गया वो असत्य है, गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन पे 64, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था, तो ये जो हमारा राज्यसभा का सर्वप्रथम जो गठन हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 1952, यानी कि इसमें है ये सी, तो 1952 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन किया गया था वो 1952 में किया गया था,
ठीक है। इसके बाद में आया आपका 65 में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत हैं, ठीक है, यानी कि गठन करने के लिए अधिकृत पूछे गए हैं जो अंतर्राज्य परिषद को गठन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, डायरेक्ट है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, इजी है। 66 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, अब ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है, मैचिंग को प्लीज करके जाना, मैचिंग बहुत ज़्यादा आती है उसमें कंफ्यूजन क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें से देख लेते हैं, इसमें पूछा है कि जो गलत है उसके बारे में, तो देख लेते हैं। इसके अंदर है नीति निनुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाएगा, ठीक है, और मित्र व्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से 1 निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव में होता है बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए, ये तीनों तो ठीक है। लेखानुदान, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, तो ये डी वाला जो है वो रॉन्ग है, तो इसके अंदर आप करेंगे टिक इस पे, क्योंकि इनने पूछा था कि कौन सा नहीं है, ठीक है, सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो गलत है वही पूछा था। तो लेखानुदान जो है वो बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना नहीं है, ठीक है। तो 67 पे आ जाते हैं, 67 में देख लेते हैं, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखिए उपबंधित है पूछा है, ठीक है, नहीं है नहीं पढ़ते पढ़ते मैंने भी इसे बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, तो इसे देख लेते हैं आप, इसके अंदर कौन सा उपबंधित है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में पूछ रहा है इसका। देखिए अब आपको इसको थोड़ा सा पढ़ के देखना पड़ेगा, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ रूप प्रारूप, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली प्रारूप, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये गलत है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये सही है, मीन्स इसका हो जाएगा आपका सी वाला 1, 2, 4, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं आगे, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, तो ये इसके अंदर सी वाला सही है, इसमें नव निर्वाचित लोकसभा का जो भी वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ सदस्य होता है उनमें से एक को ही क्या करते हैं चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 69 में, बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, ठीक है, गरीब किसानों को नहीं, धनाढ्य किसानों को नहीं, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन है पर धनाढ्य नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर उन किसानों को जो बड़ी जमींदार है नहीं, देखिए इसके अंदर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, क्योंकि उन किसानों को कराया था जिनके पास कुछ साधन है, मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है, खेती वगैरह के लिए, पर धनाढ्य नहीं, यानी उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है और वो लोग मतलब काम करने के लिए पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है बुलक कैपिटलिस्ट, बैल पूंजीपति। उसके बाद में देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, ठीक है, तो 21 के दायरे में कौन सा नहीं आता है उसे देख लेते हैं। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता नहीं, ये तो ये देखिए, अब मैंने ये जो क्रॉस लगाया ना, अब चलिए मैं आपको ऐसे समझाती थी, देखिए दायरे में नहीं आता है, ये क्या पूछ रहा है, जो कि इसके दायरे में नहीं आता है, ठीक। तो अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको अलग तरीके से करके बता देती हूँ, देखिए इसने हमसे पूछा क्या है, नेगेटिव मैंने क्रॉस इसलिए किया था क्योंकि ये आता है, ये आता है कार्यस्थल महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है किसके दायरे में, बट ये वाला जो है ना ये नहीं आता है, लेकिन अब मैं इस पर क्रॉस लगाऊंगी तो आप कहेंगे कि मैडम ने गलत बता दिया, तो देखिए इसके अंदर जो आंसर है वो तो यही सही है, क्योंकि उसने पूछा हमसे नहीं आता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये किसके दायरे में ये वाला नहीं आता है और पूछा यही गया है, तो हम इसे राइट करेंगे, ठीक है। वैसे एक आप इसका पॉजिटिव भी कर लेना, क्योंकि 21 के दायरे में जो आते हैं हो सकता है क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लिया जाए, तो उसको थोड़ा सा क्या होता है जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह आते हैं ना, ऑर्डिनेंसेस पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा पढ़ के जाने से ये फायदा हो जाता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा अगर कोई नया, तो वो हम कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसे आप गूगल इट कर लेना, क्योंकि इतना ईजी है आज के टाइम में तो सब कुछ पढ़ पाना, बहुत ज़्यादा टिप्स पर सारी चीज़ें हो जाती हैं। 71 पे आ जाते हैं, निम्नांकित में कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, ठीक है, तो कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, तो अब उसे देख लेते हैं हम लोग। ए वाला है, यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, तो अब उसने पूछा था लक्षण नहीं है, ठीक है, ये नहीं है संवैधानिक संस्था है, तो ये वाला इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई कूट वगैरह कुछ नहीं दिया है, जैसे कि हमें पूरा पढ़ना पड़ता, वैसे हमें यहीं पे मिल गया लक्षण, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, ये बात क्या कह रहा है उसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा। नीचे वाले जो है ये एक परामर्शदात्री संस्था है, अब इस पे हमारे टाइम इतना हम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में होता ही नहीं है। तो 72 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित तत्नों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए, ठीक। अभी नीचे हम इधर देख लेते हैं, इस तरह के कूट इन्होंने दिए हुए हैं, तो ठीक है हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे। इसे कथन दिया, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है भैया, डेमोक्रेटिक है, भारत का अपना एक संविधान है। अब देखो यहाँ पे 72 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आपको फिर वही वाली चीज़ देखने मिल रही है जो अभी हम लोगों ने ऊपर करी थी प्रैक्टिस पहले वाले में, इस तरह के क्वेश्चन में एजर्शन और उसमें उसका वो था कारण। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है भैया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इस ऐसा नहीं है क्योंकि ये इसका कारण है। तो भारत का अपना संविधान इसीलिए नहीं है क्योंकि वो डेमोक्रेटिक है। अब लोकतांत्रिक नहीं होता तो संविधान है या नहीं है, तो ये लोकतांत्रिक होने या नहीं होने पे निर्भर नहीं करता है ना, तो जो कारण है वो गलत है। तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन भारत पे अपना संविधान, भारत का एक संविधान है अपना, ठीक है, मान लिया भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, बट इसका जो कारण दिया है, व्याख्या जो है वो गलत है। तो अब इसमें देख लो कौन सा वाला, ए वाले में दिया, ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो अब ये यहाँ नीचे देख लेते हैं, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन
ए का सही व्याख्या नहीं है, लेकिन का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये नहीं हो सकता। ए तथा आर दोनों गलत है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए इसके अंदर जो बात रही कि आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, तो अब ये इसके अंदर थोड़ा सा आप मुझे रिप्लाई करना, कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो मतलब मैंने जो इसके अंदर एनालिसिस देखे थे उसमें आ रहा है कि ये वाला सही है, बट यहाँ जिस तरह से मिसप्रिंटिंग से मुझे डाउट हो रहा है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही होगा ए वाला, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों बात तो सही है, बट आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो उस पर संविधान होना नहीं होना उससे कैसे हम लोग उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो क्या डेमोक्रेटिक होने पर फर्क पड़ जाता, या डेमोक्रेटिक है तो इसीलिए संविधान हुआ। तो ये दोनों बातें ऐसा नहीं है कि दोनों की दोनों ही इंटरलिंकिंग कर रही है ना, तो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती ये बातें, जबकि बातें दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 73 निम्नलिखित में कौन से संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर देख लेते हैं सामूहिक, यानी संसद सदस्य जो होते हैं उनका सामूहिक विशेषाधिकार, ठीक है, सभी के कुछ सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं, कुछ इंडिविजुअल विशेषाधिकार होते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। चर्चा में प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ठीक है, चर्चा में प्रक्रिया की स्वतंत्रता जो होती है वो होती है इनके पास में, ठीक है, और इधर संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ठीक है, होता है, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ठीक है, अब ये वाली नहीं होती है, ठीक है, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार ये होता है। बट अब उसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था ना, बस यही वाली बात है कि ये हम नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, एक एक नंबर काम का होता है और आधा नंबर भी काम का होता है, इवन जो नंबर कट जाता है वो भी बहुत काम का होता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछ रहा है। तो इसके अंदर जो हम आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे ये वाला, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता कैसे मिल जाएगी, अगर सभी को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो वहां बैठेगी कौन, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में कर लेते हैं हम नेक्स्ट वाला। 74 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है, सही उत्तर चुनना है, नीचे देखिए तरीके से दिया हुआ है, 1, 1, 2 और सभी सही है, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। अब देखिए 1, 1, 1 यानी तीन बार तो 1 आगे, क्योंकि डी में लिखा हुआ है कि सब सही है, इसका मतलब होता है 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो तीन में तो ये आपका आगे जो है 1 आ रहा है और 2 अलग है, तो पहले देख लेते हैं 1 को कि 1 सही है या नहीं सही है, ठीक है, 1 पे ही डिपेंड करेगा, इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड जो है वो काम करते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये 1 वाला तो सही है। अब देखिए अब 2 यहाँ से सी वाला एलिमिनेट हो गया, ठीक है, वो क्यों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 1 सही है और सी के अंदर 1 नहीं है, बात ये नहीं है कि 2, 4 गलत है या सही है, मैंने पढ़ा ही नहीं बता दिया, क्योंकि उसमें 1 नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या कह रहा है वो कि वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो अब ये वाला जो है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, विधानमंडल का हिस्सा है तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सॉरी। फिर उसके बाद थर्ड देख लिया, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, आपका अधिकार होता है क्योंकि मनोनीत करने का। उसके बाद में हम बात करें उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं, सही है, ठीक है, तो मतलब ये है कि उनके पास शक्ति नहीं है, तो ये भी गलत, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ऐसा तो नहीं है, खैर होती हैं, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1 और 3, क्योंकि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है, उसके बाद में उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार है, फिर उनके पास में न्यायिक शक्ति भी, कुछ न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आप गवर्नर के ऊपर पढ़ेंगे, राज्यपाल के ऊपर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप इजीली इसे कर पाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने 3 ही पढ़े और मैंने इसे जज कर लिया, तो 1 और 3 इसका सही है ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में बात करें 75 ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगण्य शब्द संदर्भित है, तो अगण्य जो ये इसमें ऋग्वेदों के अंदर आया है, ये आया है गाय के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको नॉलेज होगी तभी कर पाएंगे, एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। 76 पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ठीक है, तो इसके अंदर ये भी डायरेक्ट है आपका रिलीजियस वाले में से है ये क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा कन्हेरी में, ठीक है, ये सी वाला इसका कन्हेरी में है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्हेरी। 77 में आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पश्चिम गोदावरी जिलों के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह और विहान चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ठीक है, उसके बाद में सेकंड में पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। देखिए पश्चिम गोदावरी जिलों की जो गुंटूफल्ली में चैत्य ग्रह और विहार जो है वो चट्टानों को काटकर बनाए गए, ये सही बात है, ठीक है, ये सही है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः जो चट्टानों को काटकर बनाए गए, ये भी सही बात है, तो इसके अंदर हो जाएगा सी, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 78 पर, राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद का राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवर्त रहेगा, ठीक है, तो अब इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा एक देश से अधिक नहीं, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि जो राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद है, ठीक है, वो है 249 के अंतर्गत, मतलब दिया गया है जो संकल्प जिसके द्वारा संसद का राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार जो उसको दिया गया है, तो वो प्रवर्त रहेगा एक देश से अधिक नहीं, ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं 79, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, ठीक है, तो भू राजस्व का जो इसमें पूछा गया है वो रहेगा आपका हल की संख्या, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला हल की संख्या, ये भी डायरेक्ट है। 80 में निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, अब ये देखिए बहुत पूछे जाते हैं किसने किसके समय में करा था, तो इसको कुछ ही इसके इंपॉर्टेंट है उन्हें याद कर लीजिएगा, ये है फ्रांसिस्को परसट, ठीक है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 81 का आपका देखिए नीचे के जो कथन दिए गए हैं उसे पढ़ लेते हैं, उसे क्लियर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, ठीक है, चलो ठीक है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। अब इसके अंदर देखिए ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन और अनुकूल था, ठीक, ये सही है। उसके बाद में धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात, ठीक है, तो इसमें अब हमें देखना है कि कौन सा वाला जो है वो सही है। इसके अंदर हो जाएगा ए तथा आर दोनों ही सही हैं, और जो इसके अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी सही है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 82, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था वो था हुसैन शाह, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से, तो ये भी हो जाएगा आपका, हुसैन शाह था जौनपुर का आखिरी शासक। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। अब इसमें मैचिंग देख लेते हैं, 83 वाले में मैचिंग है, मैचिंग के अंदर पता पड़ जाएगा कि कौन सा गलत है इसके अंदर। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का आंग्ल और नेपाल युद्ध, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। डी वाला जो है इसके अंदर ये गलत है, तो हम यहाँ टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पूछा था सुमेलित नहीं है। तो 84 को देख लेते हैं, 84 में भी मैचिंग है, तीर्थंकर है और प्रतिमा लक्षण है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर देखिए एलिमिनेशन मेथड अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, इसमें इसके अंदर भी एलिमिनेशन काम करेगा। देखिए इसके अंदर जो आदिनाथ जी हैं इनका मैचिंग जो हो रहा है प्रतिमा लक्षण से, ठीक है, तो ए का जो मैचिंग है वो किससे है ये देखिए मैं करती जाती हूँ, ये है वृषभ, उसके बाद में आपका है मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ जी अश्व से नहीं सर्प से नहीं, और ये जल कलश, ठीक है, तो मल्लीनाथ का जो मैचिंग होगा वो होगा जल कलश। उसके बाद में है पाशवनाथ। अब देखिए एलिमिनेशन में देख लेते हैं क्या हो सकता है, ए का 1 है और बी का 4 है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए ए का 1 इसमें है और इनमें नहीं है, तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है, कट एंड क्रॉस, ये अलग हो गए, अब रह गए ये, और बी का जो हमने देखा है वो 4 है, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। वैसे पार्श्वनाथ का सर्प है ये भी बहुत कॉमन है, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अगर हम सी को भी देख लेते तो भी एलिमिनेशन लगा सकते थे, क्योंकि सी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, जबकि यहाँ पे ए का जो है वो गलत दिया था, तब भी हमें एलिमिनेशन में ये पता पड़ जाएगा। यानी कि आपको एक या दो कोई भी पता हो तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है, ऑप्शन ए। 85 में आते हैं, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है, ठीक है। अब ये बराबर पहाड़ी का आपको मालूम होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो सही नहीं है वो बताना है, मैं बता देती हूँ, ये सही है ऊपर वाला, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ठीक है, तो ये वाली भी जो बात कही गई है वो सही है। और इसके बाद ये अभिलेख ईसा पूर्व 6 शताब्दी के हैं, ये गलत है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर करेंगे अपना वो होगा डी, क्योंकि उसने पूछा था सही नहीं है। तो बराबर पहाड़ी के बारे में जो जो इसमें दिया वो भी आपको याद हो जाना चाहिए, और जो इसमें गलत दिया है वो भी, क्योंकि सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। इसके बाद में 6 शताब्दी 86 में 6 शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद जो था इसके अंदर वो स्थित था आपका राजस्थान में, तो इसमें ऑप्शन नंबर है ये बी वाला राइट, ठीक है, डायरेक्ट है ये भी आर्ट एंड कल्चर से। इसके बाद में आपको फिर मैचिंग करनी है, मैचिंग में फिर आप टिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 2 ये दिख रहा है मुझे ऑप्शन में, ये देखिए यहाँ पर बता रही हूँ मैं, ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें से देख लेंगे किस तरीके से गंधार कला जो है, अब देखिए गंधार कला जो है वो है कुषाण, ठीक है, गंधार कला किससे मैच करेंगे हम, कुषाण से, ठीक है, इस वाले से। तो ए का तो हो गया 3, ठीक है, अब ए का 3 हो गया तो यहाँ पे एक ही मुझे दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। और जूनागढ़ का अगर आपको जरा भी आइडिया हो, जूनागढ़ का शिलालेख जो है तो वो है रुद्रमन फर्स्ट, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, बट इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे मिलिन पानो है, तो मिलिन पानो बहुत मतलब आपने कहीं ना कहीं सुनी रखा होता है, अगर सी भी आपको पता है तो भी ये हो जाता शॉर्ट आउट, क्योंकि देखिए सी का जो आपका है वो है मिलेंडर, है ना, और यहाँ पे आपको दिया गया है इसमें 1, अब आप देख लो पूरे में सी का कहीं भी 1 नहीं है, केवल इसी में है, तो आपको अगर एक भी पता होगा ना तो कहीं कहीं मैक्सिमम क्वेश्चन मैचिंग कैसे होते हैं, अगर आपको एक पता तो पूरा जगह, क्योंकि एग्जामिनर ये जानता है कि टाइम बहुत कम होता है, अगर आप पूरा पूरा इतना कैसे पढ़ लोगे कि सभी कुछ मालूम हो, तो हर किसी को ऐसा नहीं होता है, आपको 2 या 3 भी आते हैं या 1 या 2 भी आते हैं तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है तो प्लीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे श्योर हो कुछ आइडिया हो वहीं ये सब लगाना, वरना ये सारी चीज़ें छोड़ देना, और जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं पहले उन्हें कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 88, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित नहीं है, विद्रोह और वर्ष, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए तब हो पाएगा, वरना इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर भी गड़बड़ है इन दोनों के अंदर, तो थोड़ी सी क्वेश्चन ही रॉन्ग है ये वाला वैसे, ठीक है ना, अभी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो इस वाले को हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। वैसे जो की में आ रहा है वो ये वाला आता है कि ये सम्मिलित नहीं है, कोल विद्रोह, अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आप आंसर करना, क्योंकि दक्कन किसान विद्रोह जो है कुछ ये भी 70s के पास था, 1870s के पास में सन्यासी विद्रोह भी अलग हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब मैच यहाँ भी ये नहीं कर रहे हैं, बट इसी को दिया गया है, तो इसमें जो है ना कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप इसको क्या कि अंदर कमेंट बॉक्स में देना, आप दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह, नहीं तो अनदर वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 89, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, ठीक है, तो किस समाज सुधारक ने किया था उसके बारे में हमें बताना है, तो ये हो जाएगा आपका
ईश्वर चंद विद्यासागर नहीं है, राजा राममोहन राय नहीं है, महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, ये हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा, महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन नंबर सी 90 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, ठीक है, तो जो डच थे उन्होंने कहाँ पे अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, तो इनमें से स्थान बताने हैं हमको, तो स्थान देख लेते हैं कौन सा है इसके अंदर। देखिए नागापट्टनम दिया है, सही है, चिनसूरा दिया है, सही है, मछलीपट्टनम दिया है, ये भी सही है, फिर बी में दिया सूरत, सही है, भरूच, सही है, आगरा में भी थे उनके, सही है, कोचीन में थे, सही है, एक्चुअली कोचीन है, कोचीन इसमें थोड़ा दिया हुआ है, अहमदाबाद भी सही है, पटना भी सही है, तो आप इसके लिए तो डी वाले को ऑप्शन में लगाना पड़ेगा क्योंकि ये उपरोक्त सभी सही है। देखिए एक आपको पढ़ने से क्या प्रॉब्लम होती है, आप इसे देखते हो और सही लगा देते तो फिर क्या होता है, जो नीचे वाले थे वो आपके रह जाते, तो इसलिए पूरा पढ़ लिया करो जल्दी से, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, क्योंकि इन सभी पे डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। 91 में स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, ठीक है, तो इसमें देखना है कि किसने केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया, वो कौन थे, स्वतंत्रता पूर्व की बात हो रही है ये, ठीक है, ये भी पढ़ लिया करें ध्यान से, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा ये है पहला ऑप्शन एम ए जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये वाला आपका हो जाएगा राइट। इसके बाद में हम करते हैं 92, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इन्होंने किस ईयर में करी थी, ये हमें इसके अंदर आंसर बताना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, ये हुई थी 1905 में, तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, ये सभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट ही पता होने चाहिए, एलिमिनेशन काम नहीं करेगा, इसके अंदर आपका हो जाएगा 1942 और 1942 दिया हुआ है इसमें, तो ये आपका हो जाएगा डी। 94 में बात करते हैं किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की, ठीक है, तो ये 94 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा INA मुकदमा नहीं है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा नहीं है, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही, ठीक है। समस्त संसार में जिस केस मतलब किस केस की इसमें पूछा गया कि चर्चा हुई थी जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट सहानुभूति पूर्ण टिप्पणियां करी थी, तो वो है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, ठीक है। उसके बाद में 95, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, ठीक है, तो ये किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये जो मतलब स्टेटमेंट था वो दिया है, तो इसको देख लेते हैं हम कि किसने दिया था, वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने नहीं दिया था, जी बी मैकाले, हाँ जी बी मैकाले जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 96 पर देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, ठीक है, यानी इसमें पूछा है अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, तो ये हम देख लेते हैं, इसका हो जाएगा ए का दिया उत्तर प्रदेश, हाँ यही सही है, यूपी, ठीक है ना। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट पे, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, ठीक है, अब इसमें से कौन सी जो है वो शीत महासागर धारा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कनारीज है, हम्बोल्ट है, ओयाशियो है, देखिए अब ये सब तो हैं, तो इसका 97 का हो जाएगा आपका डी वाला अगुलास, ठीक है, ये जो है ये शीत महासागर धारा नहीं है, ध्यान से पढ़ना क्योंकि तो बहुत सारी जगह पे ऐसी जगह पे नहीं लिखा रहता है जिसका आपको लगेगा कि है पूछा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, 98, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो देखिए पर्वत और दर्रा है ये और राज्य की बात करी जा रही है, तो अब आप इसके अंदर देख लीजिए ये डायरेक्ट वाले ही हैं, इसमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो 98 का हम देख लेते हैं कौन सा होगा मैच करके। शिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है, बामडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला मेघालय नहीं, ये गलत है, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर ये जो है सही है, तो अब आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि नथुला किसका है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये गलत दिया हुआ है, पर हमारा आंसर जो होगा वो यही होगा सी, ऑप्शन सी 98 का। उसके बाद बात करते हैं 99 की, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो यूरोप की तेल की जो राजधानी है वो कौन सी है, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, एबरडीन है, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बी वाला राइट हो जाएगा। बात करते हैं हमारे इस 100 क्वेश्चन की, तो 100 में है आपका निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इज़राइल से लगी हुई है, ठीक है, तो किसकी इज़राइल से लगी हुई है, तो वो इसके अंदर हमें चेक कर लेते हैं हम किसकी लगी हुई है। ए में है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ठीक है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, मिस्र, टर्की, जॉर्डन, साइप्रस, लेबनान इसकी नहीं है, और ये देख लीजिए ये वाली जो है नहीं है, ये नहीं है, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, टर्की, सीरिया, इराक, यमन नहीं है, तो ये वाली जो है इसराइल से लगी हुई है, क्योंकि लेबनान भी लगा हुआ है, सीरिया लगा हुआ है बॉर्डर से, जॉर्डन लगा है और मिस्र लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। उसके बाद बात करते हैं 101 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है, तो सबसे बड़ा जो पठार है वो हमें पता होना चाहिए तभी इसे हम कर पाएंगे, तो वो है आपका कोलोराडो, तो कोलोराडो जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा सी। और इसके बाद हम बात करते हैं 102 की, तो ये देखिए फिर से इसके अंदर अरेंजिंग ऑर्डर में दिया है, कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी, खेड़ा किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट के विद्रोह सत्याग्रह, ये तो इतनी बार हो चुका है ना कि अगर आप ये सॉल्व सेट वाला जो मैं बोल रही हूँ ट्रिक अगर यही कर लेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर कराएंगे, आपको मैचिंग भी करनी नहीं पड़ेगी ना, एलिमिनेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके अंदर चलो एलिमिनेशन लगवा देते हैं हम आपसे 102 के अंदर। तो 102 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में कि सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, ये सबसे पहले नहीं हुआ था, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपने जरा भी गांधी जी को फॉलो करा हो या जरा भी हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो रिवॉल्ट वगैरह पढ़े होंगे तो आपको दिखा होगा कि सबसे पहले जो इवेंट हुई थी वो हुई थी ये वाली, ठीक है,
चंपारण सत्याग्रह, ठीक, ये वाला इवेंट जो है ये सबसे पहले हुआ था, तो ये जाना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए ऑप्शन ए में टू है, ऑप्शन सी में टू है, जबकि ये दोनों हमारे कट एंड क्रॉस हो गए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन सा इवेंट हुआ था। या तो अब देखिए ए के अंदर फोर दिया, सी के अंदर वन दिया, तो आप कंफ्यूज ना होते हुए फोर और वन को देख लेना। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन सा हुआ था वो देख लेते हैं। देखिए वन एंड फोर को हमें देखना, रॉयल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण के बाद ये नहीं हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल, यस। अब देखिए रॉयल एक्ट से भी पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, तो इस सेकंड के बाद में कौन सा आना चाहिए, फोर वाला। ठीक है, ये वाला, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पे इवेंट, ये हुआ सेकंड नंबर पे। उसके बाद में हमें देखिए काफी हद तक ये पता पड़ गया कि कौन सा सही होने वाला है, वो है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसके बाद बता देती हूँ, इसके बाद में सबसे पहले चंपारण हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद में हुआ था आपका खेड़ा किसान आंदोलन, फिर खेड़ा किसान आंदोलन के बाद में आपका ये हो जाएगा थर्ड प्लेस पे और ये हो जाएगा फोर्थ प्लेस पे। ठीक है, रॉयल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, तो इस तरीके से इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये लगेगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका आंसर। तो 103 की बात करते हैं, 1303 में काकतिया शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। ठीक है, वारंगल में किसकी सेना को परास्त किया था, डायरेक्ट पता होना चाहिए ये हमको, तभी कर पाएंगे हम इसे, तो ये वो थे अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, किसकी सेना को परास्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 104 में चलते हैं, भारत की सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह। ठीक है, सबसे ज़्यादा गहराई जिसकी है वो है पारादीप। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो भारत के अंदर सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है वो है पारादीप, तो पारादीप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 105 में से कौन विशाल हिमनद है। ठीक है, तो सबसे विशाल हिमनद जो है वो है इसके अंदर जेमू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। 106 में देख लेते हैं, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। ठीक है, कच्चे माल क्षेत्र के समीप जो नहीं है, यानी कि लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन है जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, तो इसको देख लेते हैं हम कौन सा समीप में नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका दुर्गापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 107 में लाल सागर एक उदाहरण है। ठीक है, अब लाल सागर किसका उदाहरण है वो देखिए, वो है अक्षीय द्रोणी का, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों में से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कि कौन सी गुजरती हैं, तो उसको हम एक उसमें ऑर्डर में लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश दिया गया है, फिर झारखंड दिया गया है। तो देखिए कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे 1, 2, 4। इसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिमी से पूर्व सही क्रम में लगाइए, यानी पहाड़ी जातियां जो हैं उसको पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें सही क्रम में लगाना है, तो इसको सही अरेंज कर लेते हैं हम। तो इसका हो जाएगा खासी गारो नागा नहीं, और इसमें हो जाएगा आपका नागा जयंतिया खासी गारो, फिर आपका हो जाएगा गारो खासी जयंतिया नागा। ठीक है, तो ये वाला आपका सी वाला सही हो जाएगा, और बाकी के इसमें हो जाएंगे आपके रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ये गारो खासी जयंतिया नागा एक सही क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। उसके बाद में बात करते हैं हम 1110 की, तो निम्नलिखित कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तब इसके अंदर भी मैचिंग का है कि कौन सा वाला है जो सही से मैच नहीं किया गया है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह, ठीक है, तो ये जो है ये तो गलत है, इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह नहीं है। सबरी गृह जल विद्युत परियोजना ये सही है, घाट प्रवाह सिंचाई योजना है सही है, रामगंगा बहुदिशीय योजना है सही है। अब इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन ए, 2, 3, 4। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसके बाद में हम देख लेते हैं जलप्रपात और नदी। ठीक है, अब ये भी आपको पता ही होंगे, कुछ एक का भी आइडिया होगा तो आप इसे कर लेंगे आराम से। तो इसके अंदर हो जाएगा आपका, अब देखो इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा एक अदूत सागर जो है वो किससे मैच कर रहा है, घाट प्रवाह से नहीं करेगा, मछकुंड नहीं, मांडवी। ठीक है, तो अदूत सागर किससे मैच कर रहा है, मांडवी से। अब यहाँ देखो ऑप्शन में दो ऑप्शन तो हो गए गलत, ये करते ही हमारे, जैसे हमने ए का फोर किया तो ये दोनों गलत हो गए। अब ये यहाँ भी फोर है, यहाँ भी फोर है। ठीक है, और इधर अगर हम बी वाले को देखते हैं, टू मार्क को, तो उसमें दोनों में सेकंड सही दिया हुआ है, मछकुंड सही है इसका। उसके बाद में अगर हम बात करें सी की, तो गोकक का शरावती, ठीक है, और इधर दिया हुआ है आपका गोका का शरावती, और सॉरी गोका का इसमें ए वाले में दिया हुआ है आपका घाट प्रवाह, और इसमें दिया हुआ है शरावती। ठीक है, जबकि इसके अंदर जो है घाट प्रवाह सही है, इसका जो घाट प्रवाह सही है, तो इस हिसाब से फिर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं निम्नलिखित शैल कर्मों में से कौन भारत का 90% या अधिक कोयला प्रदान करता है। अब इसमें 90% यानी इतना ज़्यादा जो इतना कोयला हमें मिलता है वो जो हमें प्राप्त होता है वो होता है आपका गोंडवाना क्रम से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी राइट, गोंडवाना क्रम। उसके बाद में है आपका 13, तो इसमें देख लेते हैं क्षेत्र और स्थानांतरित खेती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगी तभी कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए पश्चिमी घाट है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, उत्तर पूर्वी भारत है, मध्य प्रदेश। तो ये देखिए इसमें तो आपको या तो पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम तो आप इसी पर डिपेंड करता है, इसमें आप कोई भी वो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि या तो आपको मालूम ही होगा या नहीं मालूम होगा। तो इसका मैं सीधे आपको आंसर बता दे रही हूँ, इसका होगा ए, 4, 2, 3, 1। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वो कुमारी है, और उसके बाद में अगर हम एलिमिनेशन से करते हैं, हमें थोड़ी जानकारी हो ए और बी की, तो बी जो है आपका दक्षिण पूर्वी वाला जो है इसके अंदर वो है ये वाल्त्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन करते तो आपका ए वाला जो है आपको आंसर मिल जाता। 114 को देख लेते हैं, इसमें भी आपका मैचिंग है, एल्युमिनियम कंपनी है और उसकी स्थिति है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए आपको एक या दो तो कम से कम पता होना चाहिए तभी आप इसे कर पाएंगे, नहीं तो ये निकलेगा नहीं और इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो 114 के अंदर क्या है आपका, बालको का हीरा कुंडिया कोरबा, तो इसका आपका रहेगा कोरबा। ठीक है, और इसके बाद में आपका अगर हम बात करें हिंडालको,
ठीक है, तो हिंडाल्को की अगर हम बात करेंगे तो हिंडाल्को आपका रेनुकूट है, तो रेनुकूट ये देखिए ये रहा। उसके बाद में अगर आप ये दोनों लगा लेते हैं, ठीक है, तो ए का टू हो गया और बी का फोर हो गया, तो देखिए ए का टू और बी का फोर किस में मिल रहा है आपको, बी में मिल रहा है, तो आप सीधे सीधे बी को राइट कर देना, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 115 पे, तो इसके अंदर मैचिंग करनी है, नगर और नदी है, तो 115 में देख लेते हैं नगर कहाँ पे, कौन सी नदी कहाँ पे है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी आपको दो तो कम से कम पता होनी चाहिए, तभी आप इसे करना, वरना छोड़ देना, इस तरह के क्वेश्चन में टाइम बहुत चला जाता है। देखिए अब हम देखना है इसके अंदर कि ये कौन सा इसके अंदर सही है, ठीक है ना, तो इसमें एक ही पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया था आगे 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं मुझे, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। खारतूम आपको पता होना चाहिए, केवल खारतूम नगर जो है उसमें कौन सी नदी है, तो देखिए खारतूम में नील है, तो इस तरीके से हमें पता पड़ जाएगा कि इसका ए जो है वो सही है, ठीक है। और अगर आपको ए भी नहीं पता होता तो बी पता होता तो बी हो जाता, क्योंकि बी का भी देख लो आप 1, 2, 4, 3 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 है, आपको कोई भी एक इसमें पता होता तो आप इसे निकाल जाते, क्योंकि सभी में अलग अलग है, किसी में भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से आप कर सकते थे इसे, या तो आपको पता होना चाहिए था पेरिस का, तो पेरिस का अगर आपको पता होता तो आप उससे भी इसे कर पाते, पेरिस के अंदर सेन है, तो इसमें ये ए वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है, तो आंतरिक जलमार्ग के रूप में जो प्रयोग की जाती है वो है लुडविग्स नहर, ठीक है, लुडविग्स जो है, लुडविग्स नहर जो इसके अंदर वो इनके आंतरिक जलमार्ग के रूप में यूज़ करी जाती है, तो इसका जगह ऑप्शन सी। और 17117 में देख लेते हैं ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं हम, तो ये कहा जाता है फजेंडा, ठीक है, तो फजेंडा इसके अंदर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। उसके बाद में बात करते हैं युग्मों से सही सम्मिलित करने हैं, ठीक है, मैचिंग है, तो आप देख लेते हैं तो कौन सा सम्मिलित सही से नहीं है, तो गिन बिसाऊ बिसाऊ ताइवान ताइपेई निकारगुआ मानगुआ मालदीव मालावो, ठीक है, तो ये आपका पड़ा हुआ होगा तभी आप इसे कर पाएंगे, तो इसके अंदर आप देख लीजिए इसमें जो नहीं है सही से सम्मिलित किया हुआ वो है मालदीव मालावो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, बाकी ये सब सही थे वैसे, ये वाला गलत था, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव ऑप्शन नंबर डी। 119 में देख लेते हैं किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो 119 में किस में खुर नहीं पाए जाते हैं, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया है, तो अब देखिए हिरण के होते हैं, जैबरा घोड़ा होते हैं, गीदड़ के नहीं होते हैं, तो ये तो आप ऐसे भी नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपको पता ही होगा, ठीक है, बिल्कुल, मतलब कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है कि लगता है ये दिया क्यों गया है, खैर कोई बात नहीं। 120 में देखते हैं फलों के मीठे स्वाद का कारण है, अब देखिए ये भी कॉमन है, आपको पता होगा क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ है, फ्रक्टोज होता है जिसकी वजह से इसमें जो है मीठे का स्वाद रहता है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन तो किसी पेपर में ऐसे होते हैं जो आप गलत कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है उन्हें गलत भी करना, ठीक है, तो 1-2-1 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक, ठीक है, तो 1-2-1 का आंसर हो जाएगा आपका रेशम, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो बहुलक है वो है रेशम, ठीक है। इसके बाद में 1-2-2 की बात करें तो कौन युग्म सही नहीं है, मैचिंग है, हार्मोन और कार्य के बारे में दिया गया है, तो 122 यानी 122 में देख लेते हैं कौन सा सही से सम्मिलित नहीं है। देखिए इंसुलिन का काम तो रक्त शर्करा का नियंत्रण करना होता है, सही है ये, मेलाटोनिन जो होता है निद्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है ये, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निस्रण करता है, ये भी ऑक्सीटोसिन सबको पता ही होगा, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियम नहीं, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उसने पूछा था सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं 1-2-3 यूरिया है, यूरिया के बारे में पूछा है कि यूरिया क्या है, तो यूरिया जो है ए एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो ये हो जाएगा ए। उसके बाद बात करें 1-2-4 रानी झांसी समुद्रीय राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई, ठीक है, तो जो समुद्रीय राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई वो है आपका वो 1996, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा राइट। 125 में देख लेते हैं एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न जो दुर्गंध होती है निम्नलिखित में से किसकी होती है, क्योंकि अगर वो दुर्गंध नहीं आएगी तो गैस लीक होती रहेगी, हमें पता नहीं पड़ेगा, इसलिए उसमें मिलाई जाती है, तो इसका हो जाएगा इथाइल मरकप्टेन, ठीक है, क्या हो जाएगा मिथाइल मरकप्टेन, इसकी वजह से उसके अंदर स्मेल जो है वो आने लगती है। 126 में देख लेते हैं नीचे दो कथन दिए गए, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है और रीजन मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्ट्रिन विद्यमान रहता है, ठीक है, तो 126 का आपका देखिए हो जाएगा, देखिए दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो कथन का मतलब जैसे कहें कि मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन असक्षम है, ठीक है, लेकिन मानव शरीर में स्टार्च अपघटक, तो अब ये इसका कारण नहीं है, तो इसीलिए आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पर, तो सुई चबाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, ठीक है ना, तो अब इसके अंदर देख लेते हैं कौन सा अंग जो है हमारा वो दर्द महसूस नहीं करेगा, वो करेगा 128 आयोडीन की कमी से होता है गैंगा रोग के बारे में आप टीवी पर देखते रहते होंगे, काफ़ी सारी न्यूज़ चलती रहती है गवर्नमेंट की साइड की तरफ से। 129 में देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 129 का टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, ये जो है टार्ट्रिक अम्ल यानी टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद में हम बात करते हैं 130 की, तो 130 के अंदर हम देखते हैं ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो वो है हाइड्रोजन, क्योंकि डीजल करेगा, मिट्टी का तेल बहुत ज़्यादा करेगा, कोयला भी करेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन सबसे कम जो है वो प्रदूषण को उत्पन्न करेगा। और 131 में देख लेते हैं किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है चींटी का,
ठीक है, क्योंकि हाथी का तो ऑब्वियसली बॉडी की साइज से छोटी होता है, डॉल्फिन का भी, मानव का भी, तो चींटी केवल ऐसी होती है जिसकी शरीर अनुपात में उसका सिर जो है बड़ा होता है। नेक्स्ट निकले 132, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है, तो इसके अंदर 132 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा, ठीक है, उसके बाद में इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं 131, सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी, ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगा आपका, देखिए 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब जलाए गए हैं तो 10 यूनिट खर्च होंगी, 20 घंटे तक जलाए जाएंगे तो कितनी यूनिट आ जाएंगी, 10 यूनिट आ जाएंगी, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद करते हैं 134 की, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, ठीक है, तो किस चीज़ की राशि जो है इसके अंदर मात्रा जो है वो नहीं बदलेगी, तो वो है आपकी द्रव्यमान नहीं, घनत्व नहीं, सांद्रता नहीं, आयतन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 134 का डी, ठीक है, पैर टिक लगा देंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे 135 की, मोबाइल चार्जर होता है तो मोबाइल चार्जर के बारे में देख लीजिए, एक इन्वर्टर नहीं गलत है, एक यूपीएस नहीं है, एक ऊंचाई ट्रांसफर नहीं है, एक अपचयी ट्रांसफर, ठीक है, तो ये है एक अपचयी ट्रांसफर, तो 135 का हो जाएगा आपका डी। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, ठीक है, जो पित्ताशय में पत्थर होता है वो किसका पाचन प्रभावित करता है, तो वो करता है आपका न्यूक्लाइक अम्ल का, ठीक है, न्यूक्लाइक अम्ल का पाचन वो जो है वो क्या कर देगा, नहीं होने देगा। 137 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, ठीक है, तो देखिए रोगों के ऊपर आते रहते हैं, इन्हें भी थोड़ा सा करते रहेंगे आप, तो रिपीटेड हैं ये, कई साल से रिपीट हो रहे हैं। 137 का आपका आंसर हो जाएगा रतौंधी, ठीक है, क्योंकि ये अनुवांशिक नहीं है, ठीक है ना, रतौंधी अनुवांशिक नहीं है, और जो अनुवांशिक है वो भी ध्यान रखिएगा आप, हीमोफीलिया वर्णांता रंजक हिंता, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं 138 की, तो इसमें विटामिन और कार्य हैं, तो अभी देख लेते हैं किस विटामिन का क्या कार्य है, इसमें सुमेलित नहीं है वो पूछा है, जो सही नहीं है वही पूछा है, ठीक है, तो आप देख लेते हैं हम इसके अंदर विटामिन B12 प्रति अरक्ता कारक, ये सही है, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक, ठीक है, विटामिन डी वंध्यता रोग रोधी कारक, तो ये वाला जो आपका है सी वाला यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है, गलत है, विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक, तो इसके अंदर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 139 की, नीचे दो कथन दिए गए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन व्यक्ति छुआछूत की मानवीकरण हुई थी, इसका कारण दिया है स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, ठीक है, तो अब ये 139 का जो स्टेटमेंट है उसमें देखिए ए और आर दोनों स्टेटमेंट तो सही दिए गए हैं, बट जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, कि पूरी पूरी जो मृत्यु है वो इस कारण से हुई थी, तो ये चीज़ नहीं है, सबके रीज़न अलग थे कुछ कुछ, तो इसलिए ऐसे हम पूरा पूरा दोष इस बात पे नहीं लगा सकते। तो 140 में आ जाते हैं, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं हम, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो कटा हुआ हीरा है वो चमकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 141 की, तो उत्पाद और स्रोत दिए गए हैं, तो जो ये प्रोडक्ट हैं वो उनके रिसोर्स क्या है, तो वो दिया गया है अफीम का क्या है, हींग का क्या है, रबर का क्या है, कुनैन का क्या है, क्या जल से है, छाल से है, जड़ से है, फल से है, तना से, ठीक है, तो ये कॉमन है, अगर थोड़ा भी आप मतलब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में तो आप इसका आंसर ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें पूछा है कि सही उत्तर जो नीचे दिया गया है उसका सही उत्तर बताना है, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो दिए एलिमिनेशन लगा दो जल्दी से, ए का 1, 3, 4, 2 है, तो ए का अगर आपको पता है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ए का क्या है, ए देख लो सबसे पहले, अफीम है, अफीम क्या होती है, छाल से होती है, जड़ से होती है, फल से या तना से, जो अफीम होती है वो होती है फल से, ठीक है, अफीम का जो पौधा होता है उसके फल से होती है, और हींग जो है अब देखिए इसी का पता पड़ गया तो आपका ऑप्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ए का 3 किसका है, बी में है, तो बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप इसे देख लेना, जैसे हींग है तो हींग का क्या होगा, तो आपका हींग जो होती है वो एक जड़ से होती है, हींग बनाई जाती है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका पहले ही हमें मिल चुका है। 142 में बात करते हैं, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि अब देखिए कि इसके अंदर दिया गया है कई सारे रीजन, तो इनको हम देख लेते हैं, देखिए एक तो एंटीना छोटे होते हैं, सही है, उसके बाद वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, ये भी सही बात है, उसके बाद में आपका है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, ठीक है, तो ये भी सही बात है, तो इसका आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1, 2, 3 यानी ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 142, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है, ठीक है, तो किस राज्य में जनसंख्या में 2011 जनगणना के अनुसार किस में कमी आई है, तो हम बात कर रहे हैं स्टेट्स की, तो देखिए इसके अंदर जो कमी आई है वो है आपका नागालैंड, ठीक है, ए वाला। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया, ठीक है, तो ब्रिक्स देशों ने चीन में जो स्थापित किया वो बैंक है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ब्रिक्स देशों ने स्थापित किया है इसको चीन में, तो इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, रिपीट आ सकता है क्वेश्चन। और 145 है, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं निम्नलिखित को समयानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए, ठीक है, तो अब ये जो दिया गया है इसके अंदर हमें देखना है कि कौन सा वाला जो है वो सही से मैच है,
अब देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना है, फिर मेक इन इंडिया है, अटल पेंशन योजना है और सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना तो ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट है। ठीक है, अब आप इन ये देखिए फोर्थ वाला जो है आपका दो ए और डी में है। ठीक है, फोर्थ, उसके बाद में आपका जो इसके बाद में आपका ए में दिया हुआ है थर्ड वाला और फोर्थ में दिया है फर्स्ट वाला। मेक इन इंडिया पहले था, ठीक है, या फिर आपका सुकन्या समृद्धि योजना। अब आप मुझे 145 का रिप्लाई खुद देंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। ठीक है ना, मैंने उसका एक बता दिया, बाकी आप सेलेक्ट करने करके बताना मुझे। 146 का है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। ठीक है, तो आच्छादित करती है तो अभी से कर लेते हैं हम। तो ये है आपका सी वाला, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। ठीक है, किन्हें आच्छादित करती है, केवल असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उन्हें करती है। उसके बाद में 147 में 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने का लक्ष्य था। ठीक है, तो क्या इसके अंदर लक्ष्य था तो वो देख लीजिए आप। इसमें था 28 प्रति लाइव 1000 बर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन वाले जो हैं जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 148 के अंदर आपका रहेगा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। ठीक है, सक्षम परियोजना जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है आपकी देखिए नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 149 स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो स्टार्टअप्स जो सरकार ने मोदी सरकार ने लगाए हैं तो उसके लिए पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से उपरोक्त सभी। तो ये सभी सही है इसलिए हम डी को लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट 150 निम्न में से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। तो 150 का आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से क्या किया गया है 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। ठीक है, तो आप इसका यूज़ लिख के बताना कि इसका मैप का क्या यूज़ है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जिसका सही होगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में अनाउंस करूँगी। तो ठीक है गाइज, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और इसी के साथ में सब्सक्राइबर्स, जैसे कि आपको अपडेट मिलती रहे, इंग्लिश में भी हमारा इसका अपडेट आ जाएगा तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है वो इंग्लिश में कमेंट कर दीजिएगा, इंग्लिश की सीरीज भी कंटिन्यू चलती रहेगी फिर। ठीक है गाइज, हैव अ नाइस डे।